बॉलीवुड में कई जानी मानी हस्तियों में से एक नाम फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का भी है। वो फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल निर्देशक हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनका नाम उनकी फिल्मों से ज्यादा विवादों में रहा। महेश भट्ट को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका विवादों से पुराना नाता है। महेशा भट्ट का नाम इंडस्ट्री में घटने वाले कई विवादों और किसी न किसी वजह से विवादों में आई एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़ा है, जिनमें परवीन बाबी, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, जिया खान से लेकर खुद उनकी बेटी पूजा भट्ट का नाम भी शामिल है। सबसे पहले उनका नाम अपने जमाने की टॉप और बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ जुड़ा था। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि महेश भट्ट ने परवीन के साथ लिव इन में रहने के लिए अपनी पत्नी और बेटी पूजा तक को छोड़ दिया था। हालांकि दोनों का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, जिसके पीछे की वजह परवीन की बीमारी पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया थी। निर्देशक पर आज भी ये सवाल उठाया जाता है कि बीमारी का पता होते हुए भी उन्होंने एक्ट्रेस को ऐसे ही तड़पते हुए मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। महेश भट्ट का नाम सबसे ज्यादा विवादों में तब आया था जब उन्होंने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट के साथ लिपलॉक कर विवादित फोटोशूट करवाया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। निर्देशक ने एक बयान भी दिया था जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत के साथ भी महेश भट्ट का एक विवाद जुड़ा हुआ है। कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने निर्देशक पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि उन्होंने कंगना के साथ बदसलूकी की थी। रंगोली ने बयान जारी करते हुए कहा था कि एक बार महेश भट्ट ने कंगना को चप्पल फेंक के मारी थी। महेश भट्ट ने कंगना को उसकी ही फिल्म देखने से रोक दिया था, जिसकी वजह से वो पूरी रात रोई थी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ भी महेश भट्ट की कई फोटो वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद दोनों की खूब आलोचना हुई थी। सुशांत के फैंस ने दोनों को खूब ट्रॉल किया था। फोटो में दोनों एक दूसरे से कोजी होते हुए नजर आ रहे थे। उस दौरान रिया और महेश भट्ट के रिश्ते को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। रिया चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट की फोटो वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद उनकी दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान के साथ भी एक पुराना वीडियो वायरल हो गया था, जो साल 2000 का बताया गया। वीडियो में महेश भट्ट का हाथ जिया के गले में और दूसरे हाथ से एक्ट्रेस का हाथ पकड़े नजर आ रहे थे। दोनों के बीच इस क्लोज रिलेशन पर भी कई सवाल उठे थे, जिनके जवाब आज भी लोगों को नहीं मिले हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।